रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ ना? एक्चुअली यूजुअली मैं लैपटॉप से लेता हूँ, तो ये मेरा लिए नया सेटिंग है, सब मोबाइल से ले रहा हूँ। ओके दक्ष, तूने कैसे फोटो लगाया? क्या सर? कुछ नहीं, तेरा डिस्प्ले पे कुछ तो अजीब सा था। तो क्या गौत है क्या? ठीक नहीं, है ठीक वो अच्छा दिखता है बस थोड़ा, इसलिए है। वो अच्छा दक्ष है। दक्ष, ये मैं एरेस कर दूं क्या, या रिकॉर्डिंग देख लो के बाद में? अब क्या है सिचुएशन? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है बताना नेक्स्ट वाला। थ्री बाई टू प्लस 5/4 प्लस 9/8 प्लस 17/16 एंड सो ऑन। तो 3/2 को 1+1/2 लिख सकते हो, 5/4 को क्या लिख सकते हैं? 1+1/4, और 9/8 को लिख सकते हैं 1+1/8। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला 1+1/16, इसके आगे क्या होगा? इसके आगे समझ में आ गया क्या करना है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाँ सर, कितने टर्म्स तक का पूछा है? इनफाइनाइट 10 टर्म्स? नहीं, इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। शायद टेन क्वेश्चन टेन 10 टर्म्स तक पूछा है। 10 टर्म्स तक पूछा है तो 1 1 1 1 10 बार 10 हो गया, और बचेगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ऐसे 10 टर्म्स। इसका ये तो जीपी हो गया, कर लोगे सम? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। LnX, LnX² / Y, LnX³ / Y² आर इन, इतना इजी क्वेश्चन है, रॉन्ग किया। ओके नेक्स्ट वाला देखो। नेक्स्ट वाला फर्स्ट टर्म है LnX, सेकेंड टर्म है लॉग की प्रॉपर्टी से 2 LnX - LnY। नेक्स्ट वाला है 3 LnX - 2 LnY। तो तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या कि फर्स्ट टर्म को क्या क्या करेंगे तो सेकेंड टर्म आएगा? एड ऐड, क्या ऐड कर रहे हैं? LnX - LnY ऐड कर रहे। फर्स्ट वाले को LnX - LnY ऐड करेंगे तो सेकंड वाला बन जाएगा, फिर उसको वापस LnX - LnY करेंगे तो थर्ड वाला बन जाएगा। तो क्लियरली दिस विल बी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन था। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन। A1, A2, A3 आर इन AP, द वैल्यू ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP दैट वुड मेक दिस प्रोडक्ट एज द ग्रेटेस्ट। वो मैंने बताया था ना कि ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट जब वर्ड आएगा तो क्या आना चाहिए दिल में? AMGM एक अच्छा आइडिया है। AMGM ना, लेकिन एडिशन ऑफ टर्म्स रहेंगे, समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग का मिनिमम वैल्यू पूछे तो AMGM, या प्रोडक्ट है तो डिफरेंशिएशन कर लो, इतना क्यों सोचना है? या फिर द वैल्यू ऑफ द कॉमन डिफरेंस दैट वुड मेक दिस ग्रेटर। अगर अच्छा AMGM के बारे में अगर सोच रहे हो तो हाँ, मिनिमम A4 + A7 + A8, सर A8 नहीं था, आई डोंट नो सबके पास क्वेश्चन है कि नहीं, मैं क्वेश्चन भी बताऊं क्या एवरीबॉडी इन द क्लास, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सर है क्वेश्चन। ओके अगर AMGM यूज कर रहे हो, विच इज अ गुड थॉट, AMGM अगर यूज कर रहे हो तो ये GM का ग्रेटेस्ट वैल्यू कब रहेगा? जीएम का ग्रेटेस्ट वैल्यू किसके बराबर होगा? एएम के बराबर होगा। तो जीएम और एएम इक्वल कब रहेंगे?
जब ए फोर, जब तीनों टर्म्स इक्वल हो जाएंगे तो ए फोर ए सेवन ए टेन इक्वल कब होंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तीनों टर्म्स इक्वल है मतलब कॉमन डिफरेंस कितना होना चाहिए? जीरो. तो दैट इज द आंसर. कॉमन डिफरेंस जीरो रहेगा तो ये ग्रेटेस्ट रहेगा. ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझा क्या? आर्यन तो फॉलो कर रहे ना? यस सर, यस सर. क्या बोला? नहीं समझा. क्वेश्चन याद है क्या? सही बात. क्वेश्चन लिख सकते हो? हाँ, क्वेश्चन लिखना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, बट मैं पढ़ सकता हूँ. क्वेश्चन ये कि A1, A2, A3 ये सब AP में है, ठीक है? A1, A2, A3 डॉट 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 AP में है. तो AP में है तो वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस सो दैट A4 मल्टीप्लाइड विथ A7 मल्टीप्लाइड विथ A10 मल्टीप्लाइड विथ A10 यहाँ पे लिख नहीं रहा है, मल्टीप्लाइड विथ A10 ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटेस्ट होना चाहिए. तीनों का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटेस्ट कब होगा? तो ओके, तो A4, A7, A10 किसको डाउट था? दर्श को डाउट था क्या? वापस से बताने के बोला. किसने बोला मुझे याद नहीं आ रहा नाम. A4, A7 into A10 ये ग्रेटेस्ट होना चाहिए. So what we thought about is, we thought about using arithmetic mean greater than or equal to geometric mean. So ये जो right side चीजें cube root of 4g वो तीनों ये greatest चाहिए. ये greatest तभी रहेगा, इसका value greatest तभी रहेगा जब इसके बराबर होगा. ये समझ आ रहा है क्या? gm का greatest yes, value am ही रहेगा. हाँ. So gm का greatest value am ही रहेगा, मतलब we are expecting that gm should be equals to am. So for GM to be equal to AM, do you guys remember when is AM and GM equal? Sir, one हो जाए. सब equal हो जाएंगे. Terms are equal. Yes, sir. When terms are equal, so terms are equal मतलब we are expecting the fourth term of the arithmetic progression, the seventh term and the tenth term to be equal to each other. If these three are equal, मतलब common difference कितना रहेगा? जीरो हो जाएगा. फोर्थ टर्म और सेवेंथ टर्म इक्वल कैसे हो सकते हैं एपी के? मतलब इंक्रीज ही नहीं हो रहा है वैल्यू. समझे क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तुम्हारे चेहरे भी नहीं दिख रहे आज. आपका भी? हाँ यार, मेरा भी नहीं दिख रहा है, बट क्या करूं. लेकिन समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, समझ आ रहा है. हाँ सर, समझ आ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट डाउट है तो पूछो. दैट इज ऑल वी कैन से. अच्छा, ऑफलाइन स्टूडेंट्स. हाँ, A4 A रहेगा, A7 A+3D हो जाएगा, हाँ A+6D, वो तीनों इक्वल होना चाहिए तो D जीरो ही हो गया ना. नेक्स्ट एथ क्वेश्चन. क्वेश्चन तुम्हारे पास है नहीं ना. लेट द सेट्स S1 S2 S3 आर गिवन एज. ओके, कुछ तो दे रखा है. अच्छा, अभी ये बोला है कि एक सेट है, नया सा कुछ टर्मिनोलॉजी है. एक सेट S1 है 2x1, S2 है सेकंड सेट व्हिच इज बेसिकली 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3x2 एंड 5x2. S3 है बेसिकली 4x3, 7x3 एंड 10x3. ओके, नाउ S4 क्या होगा? प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या? S4 में सबसे पहले कितने टर्म्स रहेंगे? फोर टर्म्स रहेंगे, चारों फ्रैक्शंस रहेंगे. उन चारों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर क्या रहेगा? फोर. डिनोमिनेटर 4 रहेगा. ओके, चारों फ्रैक्शंस का फर्स्ट टर्म क्या रहेगा? 5/4. 5 कैसे प्रेडिक्ट किया? सर, सब में n प्लस 1 है. S1 में 2 से हो रहा है, S2 में 3 हो रहा है, ये 4 हो रहा है, इसमें 5 हो रहा है. अच्छा, ये 5 है. अच्छा, नेक्स्ट वन और ऑब्जर्व करो. S2 में 3/2 3 से 5 हुआ है, 3 से 5 हुआ है, फिर यहाँ देखो 4 से 7, 7 से 10 हुआ है. तो यहाँ 5 से क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? 9 रहेगा. फिर 13 17
इन सिंपल मैनर 5/4 और 9/4 का डिफरेंस कितना है? सर वन ऐड हो रहा है सब। वन हर बार प्लस वन ऐड हो रहा है, हर बार प्लस वन ऐड हो रहा है। ओके अच्छा नाउ ओ ये इसकी वजह से तो देखो अभी हमें ढूंढना है S25 के सारे टर्म्स का एडिशन पूछा है। तो S25 का फर्स्ट टर्म क्या होगा? 26/25 रहेगा फर्स्ट टर्म। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी इन द क्लास? यस सर। ओके नेक्स्ट टर्म क्या करने पर आएगा? 51/25 +1 तो ये एपी है ना? यस हाँ, इस एपी का एडिशन ढूंढना है। एपी का एडिशन तो ढूंढ सकते हो ना, एन बाई टू टाइम्स टू टाइम्स ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आई थिंक दैट कैन बी सॉल्व योरसेल्फ। ये एथ क्वेश्चन था। नेक्स्ट ये भी हो गया क्या? शुड आई मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन? लॉग की सिंपल सी प्रॉपर्टी है गाइस, लॉग एक्स टू द बेस एंथ रूट ए है, इसको क्या लिख सकते हैं? वन बाय एन आएगा क्या? एन हो जाएगा। नहीं सिर्फ एन सिर्फ एन हो जाएगा, एन इनटू लॉग एक्स टू द बेस। हाँ तो इस क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ है। फर्स्ट वाला log x to the base root 3 है, root 3 मतलब actually 2 times log x base 3। फिर next term है log x to the base 4th root 3, मतलब basically 4 into log x base 3। ऐसे करके उन लोगों ने बोला 16 times log x to the base 3। इन सबका एडिशन का वैल्यू दे दिया है, इन सबका एडिशन का वैल्यू 108 दे रखा है। तो हमें x ढूंढना है, तो कैसे कर सकते हैं? तो इजी है, क्या कॉमन आ जाएगा? log x बेस 3 कॉमन आ जाएगा, log x टू द बेस 3 कॉमन आएगा और अंदर बचेगा 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, इनफैक्ट बस इतना ही है, इज इक्वल्स टू 108। एक्स ढूंढना है। आई थिंक यू गाइस कैन डू द रेस्ट यार, कर लोगे क्या? एवरीबॉडी इन द क्लास? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एक सेकंड, बहुत लोगों ने चैट भेजा है, ये बहुत ज्यादा हेडेक है। अब तो नया लेसन स्टार्ट कर दो सर, रिकॉर्डिंग इज ऑफ, कैन यू प्लीज स्विच ऑन रिकॉर्डिंग? सर डू यू हैव सेम सेटअप द कैमरा? आई जस्ट लाइक यू हाउस। प्रद्युम्न वापस से बता ना, अनम्यूट करके समझा नहीं, इतना बड़ा तूने पैसेज लिखा। सर लाइक पहले आप घर में कैसे रखते थे, लैपटॉप को बोर्ड के सामने रख के कैमरा ऑन कर दिया, तो वैसा ही आप सेंटर में भी कर सकते हो। आई नो बट ये यहाँ पे ऑलरेडी सेटअप हो चुका है तो वो फॉलो कर रहा हूँ मैं आज के लिए, फिर नई जमात तो फिर वैसे ही कर लेंगे। तो ऑफलाइन स्टूडेंट्स को कैसे दिखता है? ऑफलाइन स्टूडेंट्स ये मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ एक्चुअली, तो बोर्ड वो उनको तो सिर्फ सीधा बोर्ड ही दिख रहा है। नहीं सर हमारे स्कूल में ऐसा ही होता है, लाइक टीचर्स के पास जो फोन है उधर से कैमरा ऑन करते हैं और आई नो वही मेरे पास स्टैंड भी था घर पे, नेक्स्ट टाइम वही करूंगा, स्टैंड लेके आके यहां रख के स्टैंड के मैं वो मोबाइल लगा देते हैं। ये ऐसा ही कुछ हो रहा है, इसका ऑडियो ऑफ है, मेरे इसका ऑडियो ऑन है, तो इसीलिए ये यूज करना पड़ रहा है। या कंप्यूटर बेटर है था वही, इस बार सेंटर वालों पे कंप्यूटर ले लेंगे और ऐसे करेंगे।
जैसे मैंने बोला कि मेरा यहाँ फर्स्ट डे है तो मैं पोलाइट हूँ, थोड़ा थोड़े दिन के बाद वो फिर वो कर लेंगे। इधर है नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या, इसमें किसी को डाउट वो है क्या? क्या सर क्या क्या है वो क्या? लैपटॉप, लैपटॉप रख दूंगा मतलब। अभी आज ना एक्चुअली मल्टीपल डिवाइस, एक से मोबाइल, एक से वॉइस जा रहा है, एक से तुम्हारी इंफॉर्मेशन आ रही है, एक से पेपर देख रहा हूँ, एक से बोर्ड पे लिख रहा हूँ, मतलब मल्टीपल डिवाइसेस यूज हो रहा है अननेसेसरी। नेक्स्ट टाइम वी डू इट बेटर। टेंथ क्वेश्चन बहुत लोगों ने टेक्स्ट करके बोला था, विच आई विल सॉल्व इट। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 200 मीटर्स। ओके, एक बॉल 200 मीटर से ड्रॉप किया, बॉल वापस से सेम हाइट पे तो जाएगी नहीं, तो वापस से कितने हाइट पे गई है उसने बोल दिया है। वापस से उन्होंने बोला कि 1/3 हाइट पे जा रही है बॉल, वापस से 1/3 हाइट मतलब दिस विल बी 200/3। देन अगेन इट विल फॉल डाउन ऑफ कोर्स, सो इट विल फॉल डाउन, तो ये हाइट कितना होगा? वो भी 200/3 ही होगा। ओके, ऑल्सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तुम्हारी तुम्हारी आवाज ऑफलाइन स्टूडेंट्स को नहीं आ रही है। थैंक यू सर, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, सिर्फ मुझे आ रही है। ओके, सो दिस इज हाउ द बॉल इज गोइंग। तो 200/3, एंड व्हाट डू यू थिंक नेक्स्ट हाइट विल बी? उसका 1/3, 200/9, फिर से गिरेगा 200/9 हाइट पे ही। उसका नेक्स्ट हाइट समझ आ रहा है क्या ऑनलाइन स्टूडेंट? हाँ, 3 से मल्टीप्लाई, 1/3 मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई। हाँ, अभी क्वेश्चन ये है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल कितना होगा, तो व्हाट डू थिंक? 200 प्लस 200/3, 200/3 कितनी बार? दो बार प्लस फिर 200/9 भी दो बार, 200/27 भी दो बार, ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स, तो इसका एडिशन कर सकते हो क्या? यस सर, टू टाइम्स ये जीपीए, जीपी का फर्स्ट टर्म 200/3 और डिवाइडेड बाय 1 - 1। आई थिंक यू गाइस कैन डू द रेस्ट। ये 2/3 हो जाएगा, ये 100 200 सिंपलीफाई करके 400 हो जाएगा। ओके, इज इट डन? तुम्हें लिखना है क्या? yes. नहीं सर, समझ गया। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट वाला हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, A1 A2 ऐसे करके A10 तक हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के टर्म्स कैसे अज्यूम करना चाहिए? हाउ डू यू अज्यूम टर्म्स इन HP? A2 A3 हो जाएगा A+D into A+2D। ये समझ आ रहा है क्या क्या कह रहा हूँ? हाँ, लास्ट में क्या होगा? लास्ट में होगा A9, मतलब क्वेश्चन दे रखा है A9 A10 तक ढूंढना है, इज इक्वल्स टू कुछ K टाइम्स A1 A10। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ K, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज बेसिकली। तो सो ऑन अंटिल A9 हो जाएगा 1/A+8D into A+9D is equals to K times 1/A into A+9D. Okay, this is what we have to simplify. The left hand side observe कर सकते हो क्या? ये पूरे सीरीज में क्या observe कर रहे हो? Telescopic बनाने का बना सकते हो क्या? Can you make it into telescopic? Telescopic कैसे करना है? दो दो terms का difference observe करो ना, दो दो terms का difference D है, तो D से multiply divide करेंगे। ओके, डी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1/D तो ऐसे रहेगा, ऊपर वाले डी को
ये ऊपर वाले डी को लिख देंगे हम लोग ए प्लस डी माइनस ए अपॉन ए इंटू ए प्लस डी. फिर सेपरेट करोगे तो ये वन बाई ए माइनस वन बाई ए प्लस डी आएगा. नेक्स्ट टर्म समझा के, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, वन बाई ए प्लस डी माइनस वन बाई ए प्लस टू डी आएगा. आर यू फॉलोइंग दिस? फिर फाइनली बचेगा क्या, तुम्हें समझ आ रहा है क्या क्या बचेगा? एक वन बाई ए बचेगा माइनस वन बाई ए प्लस नाइन डी बचेगा. डिड यू गेट दिस एवरीबडी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? क्या वापस से कोई स्टेप समझाऊं क्या? बताओ सर. आपने वो खाली वो वन बाई डी को मल्टीप्लाई किया ना, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड किया. हाँ मल्टीप्लाई डिवाइड किया और डी को ना हर बार डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर के दो टर्म्स लिखा और फिर उनको सेपरेट किया. सेपरेट किया तो क्या आ रहा है सर? वो टेलीस्कोपिंग सीरीज जैसे. करेक्ट, टेलीस्कोपिंग ही आएगा. एक फर्स्ट टर्म यहाँ वन बाई ए बच जाएगा और लास्ट में क्या बचेगा? समझ में आया क्या? यस सर. एक वन बाई ए बच जाएगा और यहाँ वन बाई ए प्लस एन डी बचेगा, नाइन डी बचेगा. तो ये दोनों बचेंगे सिर्फ. इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? ए प्लस नाइन डी, ए प्लस नाइन डी माइनस ए 90 और यहाँ पे भी डी है तो कैंसिल हो गया. 9 अपॉन ए इंटू ए प्लस 90, ए प्लस 90 इज 8 एंड 1, वही आंसर है. सॉरी 9 अपॉन ये हो गया, 9 अपॉन ए इंटू ए प्लस 90 आएगा और 1 अपॉन ए को ए 1 लिखेंगे और 1 अपॉन ए प्लस 90 को ए 10 लिखेंगे. तो अपने को के का वैल्यू मिल गया 9. ठीक है, आई होप यू गॉट दैट. नेक्स्ट वन, ट्वेल्थ क्वेश्चन. ओ ट्वेल्थ क्वेश्चन काफी टफ था. ट्वेल्थ क्या स्पेशल, बहुत सारे क्वेश्चन टफ थे. टोटल कितने क्वेश्चन थे, इतना लंबा लग रहा है? ओ 20 थे क्या? 20 थे, 20 थे. हाँ सुपर एडवांस है सब. इनमें से ट्वेल्थ वालों को पेपर दिया क्या? मतलब एक्चुअली फाइनल, एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग ये एडवांस का लेवल ही है. तुम लोगों को तुम्हारे लेवल इंक्रीज हो जाएगा एक और एक डेढ़ साल में. बस एडवांस का एक्चुअल इतना ही लेवल. हाँ एडवांस कब होता है? लेकिन एडवांस मई में होता है अप्रोक्सीमेटली. हाँ हाँ तो अरे हर हफ्ते एक नया क्वेश्चन सीख लोगे तो भी एनफ है. सीक्वेंस एंड सीरीज में इधर स्ट्रेट लाइंस करेंगे. सैटरडे को है शायद ना, आई एम नॉट श्योर, टाइम टेबल देखा नहीं. देखते ना, लैपटॉप लैपटॉप का इंतजाम हो जाएगा तो आ जाएंगे यार. ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है एक्चुअली. किसी का आया क्या एग्जाम में? फाइंड है, यू गाइस अंडरस्टैंड यार, मैं वापस से नहीं लिख रहा हूँ. फाइंड मैक्स वैल्यू ऑफ ए स्क्वेयर इंटू बी क्यूब इंटू सी स्क्वेयर. इसका मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना है. ओके कोई थॉट प्रोसेस है क्या? एनीबॉडी ऑनलाइन? अरे एमजीएम का कुछ था. एमजीएम का कुछ है वो तो 100% अग्री है. एम ग्रेटर देन जीएम वाला.
एब्सोल्युटली करेक्ट है, एएम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम तो अप्लाई करना ही है. ओके नाउ एएम एएम साइड, एएम के साइड एडिशन ऑफ टर्म्स रहता है और जीएम के साइड क्या रहता है? मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन राइट, मतलब मल्टीप्लीकेशन और nth रूट रहता है उसको, nth रूट ऑफ मल्टीप्लीकेशन और यहाँ पे एडिशन डिवाइडेड बाय n रहता है. ये तो जनरल नॉलेज. ठीक है, नाउ हमें मैक्स वैल्यू किसका चाहिए? हमें मैक्स वैल्यू चाहिए किसका? ए स्क्वेयर बी क्यूब और सी स्क्वेयर का मैक्स वैल्यू चाहिए. तो हमें राइट हैंड साइड ए स्क्वेयर बी क्यूब सी स्क्वेयर जनरेट करना है. इज एवरीबॉडी अग्रीइंग विद दैट? Are you guys online students? Can you please repeat? हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वेयर इंटू बी क्यूब इंटू सी स्क्वेयर चाहिए. तो ए स्क्वेयर इंटू बी क्यूब इंटू सी स्क्वेयर लेफ्ट हैंड साइड रहेगा कि राइट हैंड साइड रहेगा? राइट राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड रहेगा राइट. ओके नाउ ए स्क्वेयर जनरेट करना है, तो ए स्क्वेयर जनरेट करना है तो लेफ्ट हैंड साइड कितने ए होने चाहिए? दो ए लगेंगे. दो ए लगेंगे लेफ्ट हैंड साइड, दो ए लगेंगे. तो ए प्लस ए करके दो ए कंसिडर करता, ये ठीक है? और कितने बी लगेंगे? तीन. 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 थैंक यू, सम न्यू वॉइस आई हर्ड. बी प्लस बी प्लस बी और प्लस सी कितनी बार आएगा? दो सी. दो सी. दो सी. ठीक है, टोटल कितने टर्म हो गए? सेवन. सेवन. तो ए एम जी एम को रीफॉर्म करते हैं. तो डिनोमिनेटर में यहाँ क्या लिखूं? यहाँ क्या लिखूं? सेवन. सेवन. और राइट हैंड साइड क्या होगा? सेवेंथ रूट. सेवेंथ रूट ऑफ ए स्क्वेयर बी क्यूब सी स्क्वेयर. ओके, आई होप एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड दिस मच. बट लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर का वैल्यू पता है क्या? लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर का वैल्यू पता है क्या? पता है कि नहीं? हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझो यार, लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर का वैल्यू पता है क्या? 2a है ना, a और a दो बार है, दो दो का पेयर लेके करके 2a है, लेकिन यहाँ पे क्या है? a है. अच्छा, और यहाँ पे क्या बन रहा है अपने पास? 3b बन रहा है, और लेकिन हमारे पास क्या है? सिर्फ 2b है. तो अभी समझो हमें 3b बनाना जरूरी हो गया. 3b बनाना जरूरी हो गया. मैं एक्चुअली हाथ हिला रहा हूँ, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा क्लियरली कि 3b बनाना जरूरी है, लेकिन हमें हमारे पास 2b का ही वैल्यू है. 2b का ही वैल्यू है. तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको a के लिए a को हम लोग लिखेंगे a by 2 plus a by 2, ताकि कुल मिला के a ही रहे. यहाँ पे 2b को क्या लिखने वाला हूँ? 2b by 3. Yes, 2b by 3. 2b by 3 और एक बार 2b by 3. और c का थ्री सी बाई टू प्लस थ्री सी बाई टू. नाउ डू वी नो द लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू? a प्लस टू बी प्लस थ्री सी विच इज बेसिकली 21 by 7 is greater than or equals to cube root of. अभी right hand side भी AMGM complete नहीं किया हमने. अभी terms अपने पास a by 2 a by 2 हो गया, तो right hand side seventh root of multiplication हो जाएगा ना. हाँ, seventh root होगा. Also यहाँ पे भी error है जो हमने complete नहीं किया. सारे seventh root of multiplication of all the terms ना. यहाँ पे terms अभी तुम्हारे a by 2 और a by 2 है. Terms are a by 2 and a by 2. तो यहाँ पे क्या होगा? ए स्क्वेयर बाई टू स्क्वेयर. फिर क्या होगा? ओके, यस, ओके. सर 8b क्यूब बाय 27. हाँ, करेक्ट करेक्ट. एक दो लोग बता रहे ऑनलाइन रिप्लाई, तो फिर मैं एक और बार यहाँ लिख देता हूँ. बेसिकली तो बेसिकली हमने am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm अप्लाई कर रहे हैं सेवन टर्म्स के लिए. एंड में सेवन टर्म्स आर बेसिकली ए बाई टू प्लस ए बाई टू प्लस टू बी बाई थ्री
2b/3 2b/3 तीन बार, और 3c/2 3c/2 दो बार, होल डिवाइडेड बाय 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7th रूट ऑफ सबका मल्टीप्लिकेशन. तो a स्क्वायर 2 cube b cube 3 square c square डिवाइडेड बाय 2 square 3 cube 2 square. सो अभी वैल्यूज पुट कर देंगे. लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर का वैल्यू 21 दे रखा है क्वेश्चन में करना है. तो 21/7 फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे. ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर सिंप्लीफाई होके एक 2 डिनोमिनेटर में बच जाएगा शायद, 3 भी डिनोमिनेटर में बच जाएगा. सो दिस विल बी द आंसर गाइस दैट यू गाइस कैन सिंप्लीफाई लेटर. लाइक 27/3 7 3 हो गया, 3 पावर 7 3 पावर 7 कितना होता है, 7 2187 शायद. हां सर 2187. ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6. So 6 into this will be the answer. Okay. So चलेगा. ये भी टफ सम था, पता नहीं समझा कि नहीं तुम लोगों को. ओके नेक्स्ट वाला ए बी प्लस बी सी प्लस सी है. ये तो 12th का ही क्वेश्चन था, 11th वालों को दे दिया है. ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. इसका एसी ऑफ करें तो कर दो. अच्छा सोशलिज्म होता है, कम्युनिज्म वो कम्युनिस्ट पार्टी टाइप होता है ना. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Should I move on to next slide or should I wait? Online students. तुम लोगों की शक्लें भी नहीं दिख रही है, चैट भेज रहे हो क्या कुछ? ओके अरे ईशान कितना रोता है यार तू. ईशान तो नेरुल में रहता है, यहाँ आके रोना डायरेक्टली फेस टू फेस. मैं नेरुल में ही हूँ ईशान. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करें. यस सर. ओके नेक्स्ट वाला एबीसी आर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल और हमें रेंज ऑफ कुछ तो ये ढूंढना है. ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ओके दिस इज आल्सो अ स्लाइटली वियर्ड क्वेश्चन बट स्टिल. सबसे पहले आउट ऑफ सिलेबस है क्या? वी कैन से दैट आल्सो. सर ये सब क्वेश्चन पेपर आपने सेट किया था कि ये सौरभ? नहीं 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 सौरभ सर ने भी शायद नहीं किया होगा क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ यार सारे क्वेश्चंस. तो टफ है एक्चुअली तुम्हारे लिए. थोड़े 2-3 क्वेश्चंस फिर भी इजी है. लास्ट वाला कर पाए क्या? सिग्मा आर इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 सर उसमें तो बस सीधा सीधा समीशन करना. हाँ वो आ गया ना एवरीबॉडी. हाँ सर ये 20th क्वेश्चन था. दिस वाज इजी रिलेटिवली. फिर 19th क्वेश्चन था. 19th क्वेश्चन भी रिलेटिवली इजी था. 1/2 × 5 + 1/5 × 8 + 1/8 × 11 इसको कैसे करना है याद है क्या? इंफिनिटी टर्म. हाँ सर. हाँ सर 2, 5 और 8 वाले एपी का इन टर्म. हाँ इन सबका डिफरेंस देखेंगे ना. पाई डिफरेंस कितना है? हाँ 3 है ना पहले, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं. 3/2 × 5 + 3/5 × 8 फिर हर 3 को, ये पहले 3 को 5 − 2 लिखेंगे, दूसरे वाले 3 को 8 − 5 लिखेंगे, फिर सेपरेट कर लोगे तो टेलीस्कोपिक सीरीज आएगा. 1/6 आंसर. यस करेक्ट. ओके और एक चीज 18th क्वेश्चन क्या है? x and y respectively first and ठीक है. नेक्स्ट वाला हार्मोनिक मींस का इंसर्टिंग हार्मोनिक मींस का क्वेश्चन है. कॉन्सेप्ट याद है क्या हार्मोनिक मींस को इंसर्ट करने वाला? जैसे 2 और
टू और थ्री के बीच में ना 20 हार्मोनिक पिंस को इंसर्ट किया, तो ऐसे सम्स कैसे करते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट कर लो, लाइक 1/2 अरिथमेटिक मीन 1, अरिथमेटिक मीन 2, ऐसे करके अरिथमेटिक मीन 20 और 1/3. तो कॉमन डिफरेंस कैसे ढूंढते याद है क्या इंसर्टिंग अरिथमेटिक मीन्स पे? सर लास्ट माइनस फर्स्ट बाय एन प्लस 1. 1/3 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1, 20 प्लस 1. तो इससे कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, तो अरिथमेटिक मीन 1 मिल जाएगा, 1/2 को बस डी ऐड करना है. और अरिथमेटिक मीन 20 कैसे मिलेगा? यस, 1/3 में से डी सबट्रैक्ट, डी सबट्रैक्ट कर देंगे तो दोनों मिल जाएंगे. तो इसका रेसिप्रोकल हार्मोनिक मीन 1 होगा और इसका रेसिप्रोकल हार्मोनिक मीन 20 होगा, जिनका वैल्यू एक्स और वाई दे रखा है और एक्स वाई के ऊपर कुछ तो क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई या समथिंग यू हैव टू फाइंड. बट स्टिल इट इज लेंथी, क्वाइट लेंथी, इट विल टेक 5 मिनट्स एट लीस्ट फॉर यू टू सॉल्व. ओके, और एक 16th क्वेश्चन था, वो भी थोड़ा सा इजी है. सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 12. मतलब ऑलरेडी दे रखा है कि एस इनफिनिटी का वैल्यू 12 है. एस इनफिनिटी का फॉर्मूला याद है क्या सर? a by 1 minus r. ये 12 दे रखा है. और इंफॉर्मेशन ये दे रखा है कि सारे टर्म्स का क्यूब्स का एडिशन, a cube r cube, फिर a cube r raised to 6, इन सब का इंफिनिटी तक का एडिशन भी दे रखा है. इन सब का इंफिनिटी तक का एडिशन भी कुछ तो दे रखा है, कॉम्प्लिकेटेड सी चीज. बट इन सब का एडिशन ढूंढ सकते हो क्या? a cube by 1 minus r cube. Yes, a cube by 1 minus r cube. इसका वैल्यू भी कुछ तो दे रखा है, 64 × 27/19 ये दे रखा है. और हमें a और r ढूंढना है. तो यू गाइस कैन स्लाइटली ट्राई इट यार. a मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a इज बेसिकली 12 टाइम्स 1 माइनस r. a इज बेसिकली 12 टाइम्स 1 माइनस r. a क्यूब हो जाएगा 12 क्यूब इंटू 1 माइनस r द होल क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस r क्यूब. तो आर ढूंढना है. ट्राई करोगे क्या? लाइक कर सकते हो क्या घर पे? उससे आंसर नहीं आ रहा है क्या? वियर्ड सा आ रहा है. इक्वेशन सॉल्व करके नहीं आ रहा क्या? मैं करता हूँ. ओके, ओके, यस, एक सेकंड, जो तू कह रही है, आई जस्ट राइट इट ऑन बोर्ड फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड. तो व्हाट शी सेइंग इज, ये समझ में आ गया सबसे पहले ये दोनों इक्वेशंस कैसे आए ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ सर. यस सर. इसको सिंपलीफाई कैसे कर सकते हैं, तुम्हें क्या लगता है? 12 क्यूब है इंटू 1 माइनस आर क्यूब, मतलब तीन बार है. नीचे वाले 1 माइनस आर क्यूब को क्या करूं? सर 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर. करेक्ट, 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 19. ओके, एनीथिंग दैट वी कैन डू फर्दर? सर 1 माइनस आर कैंसिल कर दो. 1 माइनस आर कैंसिल हो जाएगा तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा? 1 माइनस आर का स्क्वायर 1 माइनस 2 आर प्लस आर स्क्वायर. ओके, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर. ओके, ये 12 भी कैंसिल हो सकता है क्या? सर 12 क्यूब और 64 इनटू 27 कैंसिल हो जाए. करेक्ट, व्हाट ही सेइंग इज 12 क्यूब मतलब 4 क्यूब इनटू 3 क्यूब ना, तो ये 4 क्यूब है और ये 3 क्यूब है, वो पूरा ही कैंसिल हो गया तो इक्वल्स टू 1/19. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है. क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 18r² - 39r + 18. एक सेकंड, काफी फास्ट बताया तूने.
वन मिनट गाइस, एक्चुअली टू सेंसिटिव बोर्ड है ये। 19 आर स्क्वेयर, हाँ थैंक यू, 18 आर स्क्वेयर, फिर क्या होगा, -38 आर, ऑप्शंस कैसे है? किसी को ऑप्शन से याद है क्या? तो सेट फ्रैक्शन में थे, इरेशनल नंबर से क्या? बस इसके रूट्स ही आर है, और आर के अगर दो वैल्यूज आ रहे हैं तो लेस देन वन वाले को कंसिडर करना चाहिए, ग्रेटर देन वन वालों को रिजेक्ट करना चाहिए। इस क्वाड्रेटिक के सॉल्व करके ही इक्वेशन आएगा। ऑप्शंस करेक्ट आंसर कुछ दिया है क्या? तो कुछ दिया ही नहीं है ना, बस 0 मार्क्स करके दिए। किसी को याद है क्या करेक्ट आंसर? तो ग्रेटर वाले को क्यों रिजेक्ट करना चाहिए? क्यों आर ग्रेटर देन वन क्यों नहीं हो सकता, कोई बता सकता है क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सर इनफाइनाइट जीपी है तो सम बनेगा ही नहीं। यस करेक्ट, इनफाइनाइट जीपीओ का तो आर ग्रेटर देन वन नहीं है। हां समझा, ठीक है, हां समझा, ओके। ओ सही है, नेक्स्ट अप। हां बोलना बोलना सर, आर के क्या वैल्यूज है? किसी को समझ में है क्या उसकी आवाज? नहीं सर। ओके, आर ग्रेटर देन वन होगा तो इनफिनिट जीपी एग्जिस्ट नहीं करता, इफ दैट इज व्हाट यू आर आस्किंग। सर वो आर का स्टैंड वैल्यू पूछ, आर का वैल्यू इरेशनल नंबर आ रहा है ना, ये अच्छा नंबर आ रहा है सर, रैशनल है, 3/2 और 2/3 सर, 2/3 और 3/2। थैंक यू, सर आर इक्वल टू 1 भी होगा ना नीचे जो कैंसिल किया था हमने, आर 1 भी नहीं हो सकता ना इनफिनिट जीपी के लिए। हाँ यस सर, ये दो रूट्स 2/3 3/2 करेक्ट है क्या, आर यू श्योर? हाँ हाँ करेक्ट है, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को मैच कर रहा है, सम ऑफ द रूट्स भी 4 9 + 4 13/6 व्हिच इज द सेम 8 39/6। सही है ना, फिर कुछ तो मिस्टेक किया होगा, ठीक है चलेगा, अच्छा है। अब बस एक ही सम बचा है गाइस, झेल लिया तो पूरा तुम लोगों ने पेपर, उसी के लिए कंग्रेट्स। ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वाला, ये आया क्या किसी का? ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इसका वैल्यू 1 से छोटा है करके प्रूव करता है। कैन यू प्रूव इट सॉर्ट ऑफ? नहीं यार सर, थोड़ा सा आया था। एम ग्रेटर देन जीएम ना सिर्फ ए स्क्वायर बी स्क्वायर के लिए अप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के लिए एम जीएम अप्लाई करेगा सर, ये लगाया। हां तो क्या होगा, एक सेकंड, नेक्स्ट वर्ड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर ना, विच इज ओनली ए बी। हाँ सर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नेक्स्ट वाला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी सी आएगा, फिर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये आएगा। इन तीनों को ऐड करते हैं तो राइट हैंड साइड क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, कैन यू टेल? A square plus B square plus C square greater than equal to A B B C C. Correct. Or yes, बोलो. Sir, options में से देखेंगे ना, so there's only one option जिसमें curve bracket है और square bracket है, so greater than equal to वैसे ही apply हो सकता है. Okay. E M G M लगा करके like that's how shortcut कर सकते हैं. हाँ, options मेरे पास तो दिख नहीं रहे, but ठीक है तुझे आया तो अच्छी बात है।
ये फैक्ट समझा क्या बाकी लोगों को कैसे किया? अच्छा, और एक पार्ट भी है, हाफ से ज्यादा करके भी प्रूव करना है। और एक चीज इंफॉर्मेशन एक क्वेश्चन में दे रखा है कि एबीसी आर साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो कोई साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल का कोई प्रॉपर्टी है क्या? साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल कौन बड़ा रहेगा, किससे बड़ा रहेगा? सर दो का सम तीसरे से बड़ा होता है, तो ए प्लस बी सी से ज्यादा रहेगा। सिमिलरली बी प्लस सी, ए से ज्यादा रहेगा, ग्रेटर देन ए, और सी प्लस ए ग्रेटर देन बी, ये तो करेक्ट है। अच्छा, अभी क्वेश्चन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इन्वॉल्व है, तो इसको क्या करने वाले हैं? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर कर, तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। नेक्स्ट वाला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी ग्रेटर देन ए स्क्वायर, और लास्ट वाला सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू सी ए इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा? कैन यू गाइस प्रेडिक्ट? हाँ, वो कैंसिल भी होगा ना फिर। मतलब इन सबको ऐड करेंगे तो विल गेट द अदर इनइक्वालिटी, तुम लोग ट्राई कर लेना। तेरा करेक्ट आया था वैसे, कैसे करेक्ट किया? ठीक है, अच्छा किया बहुत। इन टफ क्वेश्चन, टफ पेपर था, अगर कोई डिसअपॉइंट हो रहा है तो बिल्कुल होने की जरूरत ही नहीं है। ये तो इतना टफ है कि बहुत सारे सर लोगों से भी नहीं होगा यार, लाइक तीन चार क्वेश्चन इतने टफ है। ओके, चलेगा, कोई क्वेश्चंस कर लेते, क्लास करते। पेपर डिस्कशन तो हो गया ना, और कुछ पूछना है क्या पेपर रिलेटेड किसी को? एनीबडी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तू रेड हाउस नहीं, तू जीनियस हाउस का ना? रेड हाउस आप तो करने की जरूरत ही नहीं थी ना, जीनियस हाउस में भी दो आर्यन है ना? हाँ, दो है ना आर्यन, दो आर्यन, तो नेहरू सेंटर का एक आर्यन एक और है, आर्यन पटेल पाटिल, एक आर्यन खरे करके है, तीन आर्यन है क्या? ओके, चार आर्यन हो गए। ओके, हाँ आनंद कुछ बोल रहा था क्या, कोई कुछ बोल रहा था क्या? सर बस मैक्सिमम वैल्यू अगर पता चल जाते तो फिर पूरा बस ऑप्शन को देख के हम लोग कर सकते हैं, आप करने का नहीं। हाँ हाँ, वो भी सही है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू वन ने करके समझ में आया, तो भी एक ही ऑप्शन था करके, किसी और ने भी बोला है राउंड लेस देन और इक्वल टू है, और लेस देन करके किसी ने ऑब्जर्वेशन बताया थोड़ी देर पहले। आई डोंट हैव द ऑप्शंस, तो मैं ऐसे चीटिंग मेथड बता नहीं पा रहा हूँ, बट तुम लोग एग्जाम में सीक्वेंस एंड सीरीज पे थोड़ा सा ऐसे अप्रोक्सीमेशन करके कर सकते हो, अंदाज ऐसे कौन सा बड़ा रहेगा करके, कोई रैंडम वैल्यूज डाल के भी चेक कर सकते हो। You could have taken ABC as some number like 1, 3, 4 or something like that, and you could have 3, 4, 5 triangle ke, and then you could have checked the ratio, and then you could have guessed one of the options, equilateral triangle, right angle triangle wagera. वो वही जितने exams लिखेंगे, जितने tough questions experience करोगे, तुम लोगों को उतने मतलब solve करे भी ना answer mark करना सीख लोगे। चलेगा, कोई problem नहीं है। नेक्स्ट करते हैं, कुछ पढ़ाता हूँ, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? और एनीबॉडी हैज डाउट? नो सर, नहीं सर, अभी लगा। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करें फिर। लास्ट क्लास के एंडिंग में फैक्टोरियल करके कुछ पढ़ाया था, वो याद है क्या? यस सर। क्या होता है 5 फैक्टोरियल? क्या होता है? 1 × 2 × 3 × 4 × 5 Yes, सारे natural numbers until 5 multiply करेंगे। Similarly 10 factorial रहेगा, 1 से लेके 10 तक का multiplication। Fair enough? Yes sir। Okay, उसके ऊपर factorial के ऊपर ना sequence and series related एक दो questions है। वैसे factorials ना permutation combination chapter में detail में बाद में आएगा, but फिलहाल के लिए
दो ही क्वेश्चन से फैक्टोरियल रिलेटेड, वो दोनों क्वेश्चन का करवा देता हूँ, तुम लोग ट्राई करना। ओके, ये है क्वेश्चन। सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 टू एन आर डिवाइडेड बाय आर प्लस 1 फैक्टोरियल। विल यू गिव इट ए ट्राई? थोड़े टफ क्वेश्चन ही करेंगे गाइस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेट लाइंस। तुम लोगों को जाना है तो जा सकते हो, बैठना है तो भी बैठ सकते हो। नो प्रॉब्लम। तुम्हारे नेक्स्ट 5:30 से कौन सा लेक्चर है? आज लेक्चर अरे हाँ मेरा ही है, हाँ इधर से लूंगा। मैं मुलुंड में रहता हूँ। हाँ क्यों? सेफ सेफ नहीं है क्या निरुन? नहीं मुलुंड मलाड के आगे नहीं है। तुझे कभी ट्रेन ट्रेवल किया क्या? अरे सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन, हार्बर लाइन। रेड हाउस में कौन से हाउसेस ब्रांचेस है गाइस? तुम लोग सर नेरुल और खारगर। नेरुल और खारगर, अरे नेरुल और खारगर तो तुम लोग आ सकते थे इधर आज। सर हमको बोला कि वो कोऑर्डिनेटर्स अपना वो बोलेंगे, सब नहीं आ सकते हैं बाद में। अच्छा मैंने कोई तो व्हाट्सएप ग्रुप देखा था जिसमें ये था कि यू कुड हैव कॉल द सेंटर एंड आस्क कि कौन से सर आ रहे हैं, ऐसा है क्या? अभी मुझे तो टाइम टेबल मिला था बट देन एक्चुअली काफी लेट मिला, तो आज मैं घर पे अकेला हूं तो मैं आ नहीं पाया। ओके, क्यों घर की चौकीदारी कर रहा है क्या तू? नहीं नहीं एक्चुअली मेरी बहन अभी पार्टी पे गई है और अभी वो आती होगी थोड़ी देर में। ओके, तुम्हारे क्लास में केवीपीवाई से कितने लोग हैं? केवीपीवाई में तुम लोग नहीं, केवीपीवाई कितने लोग हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अभी दक्ष, आनंद, ऋषिकेश। अच्छा, ओके KVPY एंड नेरुल खारगर वाले भी आ सकते हैं। I don't mind, क्लास तो खाली है यहाँ पे, सिर्फ 3 स्टूडेंट्स है आज। तो स्कूल का जो पोर्शन है ना, जो चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें एचपी नहीं है। स्कूल का पोर्शन बहुत कम है यार, हमने तो बियॉन्ड स्कूल का पोर्शन जे एडवांस तक का किया ना। देखो तुम लोग को घूमने आना है तो आ सकते हो, नेहरू सेंटर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग एक बार भी विजिट किया क्या नेहरू सेंटर? नो सर, संडे को ही किया था। हाँ सर, कल किया है दो बार। अच्छा सही है, मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है नेहरू सेंटर। जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे ना तब पक्का आऊंगा। हाँ मोस्ट प्रोबेबली, ये आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ट्यूसडे आऊंगा शायद। अगर तुम लोग अगर आ रहे हो तो आई विल कम अ लिटिल बिट अर्ली सो दैट वी कैन डिस्कस डाउट्स और वी कैन हैव अ चिल टाइम, या कुछ मैकडोनल्ड्स वगैरह होगा तो वी कैन ऑर्डर पिज्जा और समथिंग। हाँ सर, श्योर श्योर। हाँ तो कुछ सर पार्टी आप दोगे क्या? हाँ
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता चला खागे वाले लोग भी आ गए चलेगा, मोर दे मेरी है, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आ रहे तो कुछ बोल दो। है क्या यहाँ पे? हाँ बोलो सर, खारगर के लोग नेरुल में अलाउड क्यों होंगे? आई डोंट नो यार, ये सब कुछ अलाउड होंगे कि नहीं, लेकिन क्यों एलो नहीं क्यों होंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है सर। वैसे ऐसा है क्या, ऐसा है क्या रेसिज्म, इतना रीजनलिज्म, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको सर। हमको बोला था हम भी नहीं आ सकते ऐसे, हमको पहले इन्फॉर्म ही करना पड़ेगा उनको। हाँ तो इन्फॉर्म कर दो ना कि हम आ रहे हैं, इतना ही तो कर रहे हैं। बहुत लोग आ गए साथ में, फिर वो लोग वही 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 इन्फॉर्म करो तो वो बेटर रहेगा कि मे बी 20 स्टूडेंट्स, आई डोंट नो, 20 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे सर। ऐसा कुछ नहीं है, क्या ऐसा कुछ नहीं है तो जा सकते, कोई भी सेंटर जा सकते। वही ना, मुझे भी वियर्ड लगा ऐसा, ऐसा किसी ने मना किया कि तू आ गया तो मैं भी नहीं रहूंगा, कहां जा सकता हूं। तू आ गया तो किसी ने भगा दिया क्या तुझे सेंटर से? ठीक है, ये वाला फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस पे द ट्रिक, दिस इज द ओनली ट्रिक दैट इज यूजफुल एज फार एज सीक्वेंस एंड सीरीज इज कंसर्न, प्लस वन माइनस वन करने वाला, प्लस वन माइनस वन करने वाला। तो आर वाले टर्म को, आर वाले टर्म को हम लोग एक ऐड कर रहे हैं और एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इतना तो ऑब्वियसली सबको समझ में आया होगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या किया वो भी समझ में आना चाहिए, सेपरेट किया R plus 1 upon R plus 1 factorial को separate किया और 1 by R plus 1 factorial। ये जो term है second term, ये जो last step लिखा मैंने, इसमें anything that you can simplify? Sir R plus 1 कट जाएगा, सिर्फ 1 by R factorial। Yes, देखो ये वाला term को simplify yes, कर सकते हो। कैसे simplify कर सकते हैं? मतलब वो ये कह रहे कि R plus 1 factorial is basically R plus 1 into R minus 1, ऐसे करके कहाँ तक सर? R तक 3 to 1। हाँ सर, so that is same as R plus 1 into, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं? R factorial लिख सकते हैं। तो ये term simplify के क्या होगा? That's right Aryan, वैसे Aryan यहाँ पे रेड हाउस का स्टूडेंट है, ही इज हियर टुडे, यू कैन आस्क हिम हाउ। कोई जानता है क्या तुझे? थोड़े लोग ही जानते हैं। 1 बाई आर फैक्टोरियल होगा, ये समझ आ रहा है क्या किसी को? या समझ में नहीं आ रहे तो पूछो, 1 बाई आर फैक्टोरियल कैसे होगा? हमने क्या किया, आर प्लस वन फैक्टोरियल को R plus 1 into R factorial लिखा, ये R plus 1 factorial divide कर देंगे तो वो 1 by R factorial हो जाएगा, कि 1 by R factorial minus 1 by R plus 1 factorial। तो तुम लोगों को telescopic जैसा लग रहा है क्या अभी? हाँ सर। Yes sir। R को 1 put करेंगे तो क्या होगा? फिर 1 by 1 minus 1 by 2 factorial। हाँ, 1 by 1 minus 1 by 2 factor। फिर R को 2 put करो, R को 3 put करो, एक के नीचे एक term लिखो। R को 1 put करेंगे तो 1 by 1 minus 1 by 2 factorial आएगा। R को 2 लिखोगे तो 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial। फिर 1 by 3 factorial minus 1 by 4 factorial। ऐसे करके आया होगा। सबको add करेंगे तो देखो last में n तक लिखना है। मैंने इतना बड़ा मिस्टेक कर दिया, स्क्रीन नहीं शायद, ओ लकी, मुझे लगा सब एरेज हो गया। ये सर्किल है ना यहाँ पे, ये बोर्ड में तुम लोगों को पता नहीं एक्सपीरियंस कैसे लग रहा है,
बट एज ए टीचर मुझे तो बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है लिखने में. ये बेटर है कि जो जो मैं व्हाइट बोर्ड में पढ़ाता हूँ वो बेटर है सर. व्हाइट बोर्ड अच्छा है. क्या क्या व्हाइट बोर्ड तुम्हें भी अच्छा ही लग रहा है क्या सर? वैसे देखने में तो सेम ही लग रहा है सर. अच्छा क्या बात कर रहे हो सर? बट इस मतलब मिटाने मिटाने में टाइम जाता है वो बस. हाँ यार मिटाने में टाइम जाता है और ऐसे छोटे छोटे जैसे फट से इमीडिएटली मिटाने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है. जैसे कि उसपे से तो बस क्या उंगली से ऐसे करेंगे तो मिट जाता है ना वो. हाँ वो एडजस्टमेंट देखते हैं अभी. इधर सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर आ गया क्या? एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का फैक्टोरियल वाला. सर बोलो. सर ये वन अपॉन r फैक्टोरियल माइनस वन प्लस वन r प्लस वन फैक्टोरियल के बाद क्या किया? r को वन पुट किया. r को वन पुट करेंगे तो क्या होगा? हाँ फिर वो वन माइनस यस. हाँ फिर r को टू फिर वो सब ऐड होगा माइनस हो जाएगा. सबको ऐड करेंगे तो बचेगा क्या? सब्ट्रैक्ट करें सर. वन माइनस वन प्लस वन बाय एन प्लस वन फैक्टोरियल. करेक्ट सही है. लिख के हो गया तो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेहरू सेंटर स्टूडेंट्स तुम लोग कितना दूर रहते हो नेहरू से? नेहरू सेंटर से डोंबिवली. क्या कहाँ रहता है? डोंबिवली. हाँ सर. डोंबिवली से तू नेहरू आता है क्या? हाँ. क्या बात कर रहा है? डोंबिवली इज क्वाइट फार ना. डोंबिवली से एक थाने सेंटर करके है ना वो पास ही है क्या? ऐसा मैंने पहले से ही नेहरू ले लिया था. कभी कभार था ऐसा. अच्छा ऐरोली सानपाड़ा वगैरह तो ठीक है पास ही है. ओके आर यू डन राइटिंग? यस सर. ओके बस एक दो क्वेश्चंस और कराता हूँ और ज्यादा नहीं चलेगा. नेक्स्ट नेक्स्ट तो खत्म हो गया. वी कैन वी ऐड मोर? नहीं इसमें और ऐड नहीं कर सकते क्या? तुझे पता है क्या आर्यन? यहाँ पे लिखा है साइड पे 10 on 10 खत्म हो चुका है तो इफ यू कैन ऐड पेजेस. वही प्लस के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है ऐड करने के लिए. सर वो जो झाड़ू का ऑप्शन है वो किस चीज के लिए? कहाँ झाड़ू का ऑप्शन है? ओ ये प्रेस करके. अच्छा शायद आई थिंक ऑल क्लियर हो जाएगा. 10 पेज और मिल जाएंगे. ट्राई करते हैं उस पे क्या जा रहा है. ये स्क्रीन पूरी खाली हो गई. इससे सिर्फ दस सिर्फ 10th ही हो गया. चलो अच्छा है. और सब पे सबको उड़ा सकते हैं एक्चुअली. अरे सर उसका स्लाइड खत्म कर रहे थे. नहीं लेकिन 10 ही है शायद मैक्स. अरे यहाँ कुछ लिख के आ रहा था व्हाइट बोर्ड पेज कैन नॉट एक्सीड 10. अच्छा ओके नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 to n आर इंटू आर फैक्टोरियल. R into R factorial. So basically 1 into 1 factorial. ये भी एक्चुअली आगे वाले चैप्टर में आएगा बट फिर पहले ही कर ले रहे हम लोग. इसको सिंप्लीफाई करना है. इसको सिंप्लीफाई करना है.
मैं फर्स्ट स्टेप लिखता हूँ, फिर उसके बाद तुम लोग खुद से करना, टेलीस्कोपिंग बनाना है। इज इट माई फर्स्ट लेक्चर इन दिस फॉर्मेट या तुम्हारा इसके पहले? अनलकी मी, पता नहीं बाकी सर्स का कैसे होगा। बाकी सर्स ने कुछ क्रिएटिव किया तो मुझे जरूर बताओ। सर मोस्ट ऑफ द सर्स वो लोग लैपटॉप पे ही लिखते हैं, मतलब लाइक तो उनको आई गेस प्रॉब्लम होगा ही नहीं अगर वो आएंगे। ओके ओके डिवाइस आईपैड पे लिखते हैं। हाँ आई ये तो खड़े रह के लिखना है ना। ओके ट्राई करना तुम लोग आगे, दो मिनट देता हूँ। एक्चुअली अभी प्रॉब्लम समझ में आ गए, जस्ट एक क्लास खत्म करने के बाद और थोड़े से एडिटिंग कर ले। क्या क्या Oh, that can be possible. I'll try. वो ऑप्शन किधर आएगा पता है क्या तुझे? दिस ये वाले में ये तो टीवी का होगा शायद। ठीक है थोड़ा दो तीन बार यूज करके इजी लग जाएगा। ओके गाइस पहले इसका सॉल्यूशन खत्म कर देता हूँ। आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल वो बन जाएगा आर प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस वन इंटू आर फैक्टोरियल बन जाएगा आर माइनस आर फैक्टोरियल। फिर उसके बाद जस्ट पुट स्टार्ट पुटिंग आर एस वन टू थ्री फोर और हिम्मत दिखाओ। आर को वन पुट करेंगे तो टू फैक्टोरियल माइनस वन फैक्टोरियल फिर थ्री फैक्टोरियल माइनस टू फैक्टोरियल। सबको ऐड करो क्या बचेगा, दैट इज द आंसर। किसी का आया क्या आंसर? यस सर आपको चैट में भेज दिया। ओह सॉरी चैट नहीं देखा।
आधी रात एन प्लस वन आएगा वो। हाँ यस सर। ओके चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बाकी लोग भी कर रहे हो या हो गया या टाइम चाहिए? ब्रेक। क्यों ना एक सेकंड बोला कि ब्रेक बोला? सर वेट एक मिनट सर। अच्छा वेट ओके आई थिंक। और आज बहुत लोगों ने बात ही नहीं किया। अमनी अभी अभी ने बात नहीं किया आज कैसे? अभी कोई डाउट ही नहीं आया तुझे आज? सर कब से मैं ही तो बात कर रहा था। अच्छा ओ एक्चुअली वो यस इप्सिता रश्मि का ये किसका फोटो है? सर कागुया। ओके ओके तुम में से बहुत सारे लोग एनिमेशन देखते हो। हाँ सर मैंने 2-3 मंथ्स पहले स्टार्ट किया एनिमेशन। मुझे पहले मुझे पहले लगता था कि कोई नहीं देखता है, फिर बाद में आया कि सबने पता चला कि इतने सारे लोग देखते हैं। तो मुझे लगा स्टूडेंट्स वगैरह कोई देखते नहीं है। तू भी देखता है क्या? सर स्टूडेंट्स ही तो ज्यादा देखते हैं, मुझे कितने सारे लोग ने बोला देन आई ट्राइड टोक्यो गोल अभी रिसेंटली। हाँ टोक्यो गोल ठीक है, उसका वो मास्क का फोटो बहुत लोग लगाते हैं। उसके बाद अभी डेथ नोट देखा मैंने। ओके ओके हाँ वो अच्छा है लेकिन बहुत पुराना है वो। आखिर में थोड़ा बोर हो जाता है जब एल मर जाता है। ओ शिट बस उस डार्क तूने स्पॉइलर दे दिया। मैं देख रही थी। चलेगा किसी और को डाउट है क्या इस समय? इतना इम्पोर्टेंट स्पॉइलर बोल दिया इसने। लास्ट क्वेश्चन बट वन आई एम नॉट श्योर। देखो और झेल सकते थे, एक और क्वेश्चन देता हूँ लास्ट। बाकी होमवर्क वगैरह में आ जाएंगे, बुकलेट में टफ क्वेश्चन है और तो वो वाइल सॉल्विंग वी कैन एंकर। ये क्या लिखा है समझ में आ रहा है राइट हैंड साइड? हाँ सर पाई स्क्वायर बाय सिक्स। थैंक यू। सिग्मा एन इक्वल्स टू 1 to infinity 1/n² पाई स्क्वायर बाय 6 है। So you have to find sigma n equals to 1 to infinity 1 upon 2n minus 1 the whole square. Sir. हाँ. Sir, जो 1 by n square का summation है ना pi square by 6. Yes. Sir, उसका वो एक video था YouTube पे. हाँ. तो sir, मतलब वो सही है क्या? मैंने तो देखा नहीं यार ऐसे कैसे बोल। रुको सर मैं बाद में भेजता हूँ आपको। हाँ बट इट्स अ वेरी फेमस रिजल्ट जो हम लोग प्रूव भी करेंगे। हम लोग दो तरीके से प्रूव करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में करेंगे और फिर बाद में कैलकुलस से भी करेंगे। फिर उसके बाद इसको प्रूव करने के लिए फिजिक्स के भी तरीके हैं, मतलब मैथ्स के मैथ्स यूज करे बिना ओनली फिजिक्स यूज करके भी प्रूव कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई सिनेरियो बनाएंगे जिसको एक तरीके से सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा, एक तरीके से सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड आएगा। हेंस बोथ ऑफ देम आर इक्वल कर। अच्छा ठीक है सर वो देखा मुझे कुछ समझा नहीं। आई डोंट नो तो ना YouTube में कुछ देखा चल रहा है। ज्वाइन कर लो आप भी सर। ये तूने कौन सा वाला मेथड देखा? सर वो अब याद नहीं, मैं पहले देखा था बट कुछ समझा नहीं, मैंने बंद कर दिया, फिर कुछ नहीं समझ रहा था सर। ठीक है वही स्टार्टिंग में ठीक था, बाद में इतना अजीब होने लगा फिर छोड़ो बोला नहीं आ रहा। कैसे लाइट हाउस वगैरह लिखा के उसमें?
मतलब एक सन फिर एक सन देख के बता दो। छोड़ ना अभी क्या देखेगा बात। हाँ सर बाद में बताता चलेगा। This also is a very nice sum. That is why I wanted to solve this. सबसे पहले सिग्मा को एक्सपेंड करके एलोबरेट कर सकते हो क्या? कोई भी लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? I mean, given condition को डिटेल में लिख सकते हो क्या? क्या होगा? सिग्मा को एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा? Anybody? N को वन पुट करेंगे तो वन बाय वन स्क्वायर, n को 2 पुट करेंगे तो 1 by 2 square, n को 3 पुट करेंगे तो 1 by 3 square, फिर 1 by 4 square, फिर 5 square, 6 square, और दो तीन टर्म्स लिखने दो मुझे, 1 by 6 square, ऐसे इंफिनिटी तक लिखेंगे, तो इसका वैल्यू 5 square by 6 है, that has been given to us, and what do we need? इसको कोई एक्सपेंड करके बता सकते हैं क्या? क्या चाहिए हमें? Anybody? Sir, 1 by 4 n square plus 1 minus 4 n square कैसा है? एक सेकंड, n को 1 डालेगा तो क्या होगा या? Sir, ये 1 ही आएगा। 1 by 1 square plus 1 हाँ, n को 2 डालेंगे तो क्या आएगा? 3 plus 1 by next term क्या होगा? 5 square, 7 square. 5 square, correct. तो basically क्या चाहिए? क्या दिया है और क्या चाहिए? ऊपर वाले के odd terms. Yes, that is right. ऊपर वाले के odd terms चाहिए. मतलब 1 by 1 square plus 1 by 3 square plus 1 by 5 square. हम लोग सारे odd terms को अलग कर लेते. This is the one of the first of many many questions जिसमें odd numbers और even numbers को separate कर. Plus even numbers ko likh dete hain. Even numbers of course bachenge 1 by 2 square plus 1 by 4 square plus 1 by 6 square and so on until infinity. Acha, now kuch common ya kuch nikal sakta hu kya? Sir, 1 by 2 square nikal. Correct. Second bracket se observe karo everybody else in the class. Second bracket se kya common nikal sakte hain? 1 by 2 square. बचेगा क्या? 1 by 1 square, that is correct. Second term क्या होगा? 1 by 2 square. सही कह रहे हो. वही सीरीज आ जाएगी. Third term 1 by 3 square and so on आएगा. 5 square by 6 भी आ जाएगा. Equals to 5 square by 6. This is what we need. Or I'll write it as question. This question is what we need. Plus 1 by 4 times. Like they are saying, ye wapas se question hi aa gaya. Toh isko kisse replace kar denge? 5 square by 6 se. Is equals to 5 square by 6. So pi square by 6 में से ये right hand side लेके चले जाएंगे, ये right hand side लेके चले जाएंगे तो we'll get the desired value of the question. समझ में आया क्या? किसी को doubt है क्या इस question में? Basically इतना याद रखो यार, सारे terms में से सिर्फ odd terms से ये तो even terms को manipulate करना. This might be the first time you have encountered, but remember this method. बोलो क्या? किसी को कुछ डाउट है क्या? ओके और कोई क्वेश्चन करवाऊं एक और की इज इट डन? आर यू डन फॉर द डे? डन सर, डन. थक गया क्या? डन सर. ठीक है चलेगा सर, हो गया, नो प्रॉब्लम एट ऑल. और आज स्पेसिफिकली अलग से होमवर्क कुछ नहीं है,
ऋषिकेश तेरा मैसेज अभी देखा, बट आई होप यू गॉट द सॉल्यूशन। चलेगा आज के लिए, ऑफ कोर्स कोई होमवर्क नहीं है, बट सीक्वेंस एंड सीरीज जो है खत्म हो गया, हम लोग नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज सिर्फ टफ क्वेश्चन ही डिस्कस किए, डीपीटी के चक्कर में बहुत सारे टफ क्वेश्चन एनकाउंटर भी हो गए। चलेगा गाइस, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीबॉडी, थैंक यू सर, बाय सर। आई कांट वेव एट यू एज यू कांट सी माय फेस। कैमरा चालू करो। क्या क्या कैमरा 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 अच्छा मोबाइल से चालू करना पड़ेगा। तुम लोगों को क्लासरूम देखना है क्या? हाँ मेरा वीडियो दिख रहा है क्या तुम लोगों को? हाँ दिख रहा है। हाँ सर, हाँ सर दिख रहा है। वो आर्यन है। थैंक यू सर, बाय 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 सर। वी कैन बाय सर। क्या यू कैन व्हाट? वी कैन कम फ्रॉम टुमारो। आई डोंट नो बट आई एम नॉट द टुमारो हियर। कितने लोग आए थे सर? आज 3 लोग आए थे टोटल। सैड। हाँ सैड। अभी नेक्स्ट टाइम अभी आपने वो मैग्नी मैग्नी बोल दिया ना, डबल हो ही जाएंगे कम से कम। हाँ सर। हाँ चलेगा, आओगे तो मैं जरूर पार्टी दूंगा। पनवेल थाने से आएंगे लोग। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये रहा बोर्ड जिसमें मैं पढ़ा रहा था सर। आप मतलब इस पे ऐसा लिखते हो क्या? क्या क्या इस पे मतलब आप ड्रॉ करते हो मतलब कंप्यूटर पे? लिख रहा था यार। हाँ इस पे भी शायद से फीचर है क्या, लॉगिंग करके प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो आइडिया ये है कि ये बोर्ड है और यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठेंगे और साइमल्टेनियसली थोड़े लोगों के लिए ऑफलाइन होगा और बाकी लोगों के लिए ऑनलाइन होगा। सो दैट इज द आइडिया। तो बोर्ड में जूम है क्या? बोर्ड में जूम है, यस करेक्ट। अच्छा। टीवी है वो, एक्चुअली टीवी के ऊपर स्क्रीन के ऊपर बेसिकली एक बहुत बड़ा टच स्क्रीन टैब है। हाँ मुझे लगा मेरी शक्ल भी आएगी तो मैं आज शर्ट भी पहन के आया, बेस्ट हो गया। चलेगा चलेगा गाइस, सी यू सीन सून। थैंक यू सर, बाय सर, बाय सर, बाय सर, बाय सर, थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू सर, बाय सर, बाय, थैंक यू सर।